असलम क्लास सिक्स हाउ यू ऑल होप एवरीबडी इज़ फाइन एंड डूइंग वेल ओके क्लास सिक्स टूडे इन और सब्जेक्ट मैथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट और सेकेंड चैप्टर दैट इज़ होल नंबर एंड नैचुरल नंबर्स आई टेल यू अबाउट द नंबर्स द होल नंबर्स एंड द नेचुरल नंबर्स ओके अब ये टॉपिक जब हम फिनिश करेंगे सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट वट आर नैचुरल नंबर्स एंड वट आर होल नंबर्स सेकंड इज़ uh, कि जब हम नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को ऑपरेट करेंगे तो उनके जो रूल्स हैं एडिशन में सप्ट्रिक्शन में मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में वो हमें पता होंगे एंड थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ अप्लाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये हम हमें पता चलेंगे और हम उसको ऑपरेट कर सकेंगे ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट द नेचुरल नंबर्स ठीक है सो लुक एट टू द नेक्स्ट पेज पेज नंबर नाइनटीन हैर इज़ अ डिफिनीशन ऑफ नेचुरल नंबर्स हैर इज़ अ डिफिनीशन ऑफ नेचुरल नंबर राइट द नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट अराउंड एस आर कॉल्ड नेचुरल आर काउंटिंग नंबर्स वो नंबर जो हमारे सराउंडिंग में हम यूज करते हैं फॉर काउंटिंग ऑल दैट नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स लाइक मेरे पास ये एक मार्कर है ना मैंने कहा दिस इज वन मार्कर तो ये जो वन है दिस इज़ नेचुरल नंबर क्योंकि ये रियलिटी में होती है मतलब इसकी रियलिटी uh, होती है लाइक like, um, अब ये दो चीज़ें हो गई ना टू टू थिंग्स है तो टू टू भी हमारे पास नेचुरल नंबर है क्योंकि ये रियलिटी में होती है इसकी क्वान्टिटी होती है ठीक है तो नेचुरल नंबर्स इनक्ल्यूड द नंबर वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन एंड आगे जितना आप जाते हैं ना वहाँ वो सारे नंबर्स क्या है वो नेचुरल नंबर्स है स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है वन ये वन से स्टार्ट होता है और आगे जितना आप जाते हैं तो ये सारे नेचुरल नंबर्स में काउंट होते हैं नेचुरल नंबर का सेट जो है वो हम एन पे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों ने सेट्स पढ़े हुए हैं तो कैपिटल uh, एन पे हम उसका सेट रिप्रजेंट uh, uh, करते हैं लाइक like, ये सेट है हमारे पास वन से स्टार्ट हुआ है वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन मतलब हमें इसका एंड नहीं पता जब तक हमें किसी ने बताया नहीं होता तो हमें इसका एंड नहीं पता मतलब सबसे बड़ा नंबर हमें नहीं पता सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है वन यहाँ पर लिखा है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेट एंड मतलब नेचुरल नंबर का जो वन है वो सबसे स्मॉलेस्ट है एंड देर इज़ नो लार्जेस्ट नंबर इन द सेट और इसका लार्जेस्ट नंबर वो हमें नहीं पता ठीक है अच्छा नंबर नेचुरल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर वे जो है ये हमारे पास नेचुरल क्या है नंबर वे है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो नेचुरल नंबर्स का कहाँ से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर का नंबर रे जो है वो वन से स्टार्ट होगा ठीक है वन से स्टार्ट होगा और आगे जितना आप जाते हैं आपने जाना है अब देख ले तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से ये यह स्टार्ट होता है इसके पहले कोई नंबर नहीं है बट ये स्टार्ट हुआ है वन से और यहाँ पर एरो है एरो का मतलब है कि आप जितना आगे जा सकते हैं और जितने नंबर होंगे तो वो इसमें ऐड होंगे अच्छा नेचुरल नंबर के एक और आ, सबसे इंपॉर्टेंट बात नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं ठीक है ये नेगेटिव में नहीं होते, हमेशा होते so, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं सो ये था हमारे पास नेचुरल नंबर्स फिर हमारे पास आता है होल नंबर राइट अब है हमारे पास होल नंबर होल नंबर कंसिस्ट ऑफ ज़ीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर कार्ड होल नंबर ठीक है अब होल नंबर में क्या है कि जब हम नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो लगा लेते हैं मतलब उसका स्टार्ट हम जीरो से ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है वो होल नंबर में चला जाता है सो होल नंबर का सेट जो है वह हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो स्टार्ट होता है ज़ीरो से होल नंबर का सबसे स्मॉल नंबर जो है वो ज़ीरो है एंड इसका भी हमें लार्जेस्ट नंबर नहीं पता अच्छा अब इसमें ज़ीरो क्यों लगाते हैं देखिए ज़ीरो हकीकत में तो नहीं होता ना अब मेरे पास है कि ज़ीरो पेंसिल तो उसको मैं देख नहीं सकती तो जिस चीज़ तो को हम देख नहीं सकते तो वो हम नेचुरल नंबर में नहीं डाल सकते बट इसका एक मतलब तो है ना ज़ीरो का मतलब है नथिंग तो एक जो चीज़ नहीं है वो नहीं है एक कम्प्लीट बात है तो ऐसे इसलिए इसमें ज़ीरो को ऐड किया गया है ठीक है होल नंबर में क्या है ज़ीरो इंक्लूड है ज़ीरो सबसे स्मॉल है बाकी वही सारे जो है नेचुरल नंबर्स है ठीक है नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फ़र्क है बाकी सब सेम है बट नेचुरल uh, नंबर जो है वो वन से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में इंक्लूड होते हैं ठीक है बट सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं होते है. कैसे जैसे हमारे पास जीरो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर में तो ज़ीरो होता ही नहीं है तो क्या है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड होते हैं ठीक है बट होल नंबर नहीं इंक्लूड होते सारे नेचुरल नंबर में अब होल नंबर जब आप रिप्रेजेंट करते हैं नंबर रे पे तो वहां पर नेचुरल नंबर जो है वो वन से स्टार्ट हुआ था यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ है जीरो से आगे कुछ नहीं है और आगे आप जितना जा, जाना चाहते हैं सो यू कैन गो आप आगे इतन, इसको इतना लंबा कर सकते हैं ठीक है, है? जीरो मतलब अब होल नंबर भी सारे हमारे पास पॉजिटिव होते हैं ठीक है नेचुरल नंबर भी सारे पॉजिटिव होते हैं होल नंबर भी सारे पॉजिटिव होते हैं हमारे पास ठीक है अच्छा फिर यहाँ पर हमारे पास है कुछ रूल्स हैं नेचुरल एंड होल नंबर के लिए पहला रूल क्या है कि जब आप दो नेचुरल नंबर को प्लस करते हैं तो हमेशा आंसर में भी नेचुरल नंबर आता है ठीक है दो नेचुरल नंबर जो है लाइक मैंने टेन और नाइन्टी लिया है ना दोनों जो हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर्स है और इसका सम जो है हंड्रेड वो भी नेचुरल नंबर है फिर सेकेंडली क्या है कि हमारे पास जब आप होल और नेचुरल का सम लेते हैं तब भी जो है हमारे पास क्या आता है नेचुरल ही आता है तो एडिशन में हम हमारे पास uh, क्या लाइक फॉर द सम ऑफ टू होल नंबर इज़ आल्सो अ होल नंबर मतलब दो नेचुरल का जब आप सम निकालते हैं तो वो नेचुरल आता है और दो होल नंबर का आप जब निकालते हैं सम निकालते हैं तो वो हमेशा होल नंबर आता है ठीक है एंड दिस प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जिसमें दो नेचुरल नंबर के सम से नेचुरल नंबर आएगा और दो होल नंबर के सम से होल नंबर आएगा राइट right? अच्छा अब जैसे हम बोलते हैं कि नेचुरल uh, नंबर जो है वो वन से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं अब इस वन और ज़ीरो uh, की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं खास प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैं आपको थोड़ी सी वो एक्सप्लेन कर लेती हूँ ठीक है यहाँ पर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ ज़ीरो एंड वन पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ जीरो को स्टडी करते हैं कि ज़ीरो की क्या प्रॉपर्टी है आप लोग खुद थोड़ा सा यहाँ पर रीडिंग कर लेंगे बट इसका मतलब क्या है इफ़ इज एडेड टू एनी नंबर आइडेंटिफाई द नंबर डज नॉट चेंज देखिए एडिशन या सब्ट्रिक्शन दोनों में जब आप किसी नंबर से ज़ीरो प्लस करते हैं या ज़ीरो माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा वही नंबर दोबारा आता है ठीक है कैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन uh, करती हूँ लाइक like, uh, मेरे पास एक पेज है ना अब देखिए इस पेज पे मैंने यहाँ पर लिखा है ज़ीरो के साथ मैं टेन को प्लस करती हूँ आंसर क्या आएगा वही टेन आएगा समझ आ गई फिर टेन है उससे मैं ये ज़ीरो माइनस कर रही हूँ अब भी आंसर क्या आएगा जीरो टेन आएगा मतलब जब आप प्लस और माइनस करते हैं ज़ीरो के साथ तो हमेशा वो नंबर दोबारा आता है ठीक है लाइक आप देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में है कि जब ज़ीरो को आप किसी भी नंबर के साथ प्लस करते हैं तो हमेशा वो नंबर दोबारा आता है ठीक है कोई भी नंबर आप ले उसके साथ ज़ीरो प्लस करें वो नंबर हमेशा अपनी जगह पे वापस आ जाता है लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम जब किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमेशा ज़ीरो आता है ये आप लोगों ने याद करनी है ठीक है जब आप जीरो को किसी भी नंबर के साथ मतलब कोई भी नंबर ले लें उसके साथ जीरो को प्लस करेंगे तो वो नंबर अपनी जगह पर आएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा लेकिन जब आप किसी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा लाइक like मैंने यहां पर लिखा है टू मल्टीप्लाई बाई जीरो इज इक्वल टू टू जीरो ठीक है सो एनी थिंग मल्टीप्लाई विद जीरो इज इक्वल टू जीरो तो ये हमारे पास है जीरो की प्लस और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी ठीक है फिर यहाँ पर है इफ जीरो इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो द रिजल्ट इज जीरो अच्छा जब भी आप जीरो को किसी नंबर पे डिवाइड करते हैं लाइक मैं जीरो को डिवाइड कर रही हूं टू पे तो आंसर क्या आएगा वैसे आपको क्या लगता है जीरो का मतलब है नथिंग कुछ भी नहीं तो जब कुछ नहीं है तो अगर उसको मैं टू पे डिवाइड करूँ या टेन पे डिवाइड करूं तो आंसर कुछ आएगा नहीं आएगा ना तो आंसर जीरो आएगा ठीक है लेकिन जब आप जीरो को जीरो पे डिवाइड करते हैं इससे एक आंसर आता है उसको हम बोलते हैं इंफिनिटी ये अभी आपके लेवल का नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ वैसे कि इसको हम फिर बोलते हैं इन्फिटी इन्फिटी क्या मतलब है कि इसका जो नंबर आता है वो मतलब इतना होता है कि हम आ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ठीक है बट अपार्ट फ्रॉम ज़ीरो जीरो डिवाइड बाई ज़ीरो वैसे आता नहीं है लेकिन ज़ीरो के अलावा आप ज़ीरो को किसी भी नंबर पर जब आप डिवाइड करते हैं लाइक like मैंने लिखा है ज़ीरो डिवाइड बाई टेन तो आंसर में क्या आएगा ज़ीरो आएगा तो ये है ज़ीरो के डिवीजन की प्रॉपर्टी ठीक है तीन प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं एडिशन की प्रॉपर्टी एडिशन की प्रॉपर्टी में क्या है कि ज़ीरो को जब आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमेशा उसके आंसर में क्या आएगा ज़ीरो वही नंबर दोबारा आएगा मल्टीप्लीकेशन में किसी भी नंबर को आप जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में ज़ीरो आएगा डिवीजन में भी सेम बात है जब आप किसी भी नंबर को टेन पे टेन जीरो को किसी भी नंबर पर डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा हमेशा ज़ीरो ही आएगा सो ये तीन हमारे पास थे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ठीक है अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वन अब वन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वन की प्रॉपर्टी ये है पहली है मल्टीप्लीकेशन की किसी भी नंबर को जब आप वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में वो नंबर नम, दोबारा खुद आता है लाइक like, मैं टू को वन के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ ना सो टू वन ज टू किसी भी नंबर को जब आप वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर अपना वो नंबर अपना आंसर खुद बन जाता है ठीक है फिर क्या है और किसी नंबर को अगर आप वन पे डिवाइड करते हैं तब भी वो न, आंसर खुद आता है ठीक है इसकी दो प्रॉपर्टीज है एक मल्टीप्लीकेशन की एक डिवीजन की लाइक वन पे आप डिवीजन करते हैं तो भी वो आंसर आएगा वन पे आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो भी वो आंसर आएगा लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है टेन डिवाइड बाई वन मतलब दस है मैं एक आदमी को दे रही हूँ तो उसके पास भी टेन आ गए ना अब टेन है मैं वन के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो अगेन इट्स टेन तो ये आपने याद कर रखने हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने इंस्टेंटली याद करने हैं यहाँ पर आप देख ले इसको प्रॉपर्टी है जो वन के प्रॉपर्टीज़ है ये पहले मल्टीप्लीकेशन की है एंड दूसरी वाली क्या है डिवीज़न की है अब आप लोगों ने ये एक्सरसाइज़ ख़ुद सॉल्व करना है राइट right? एक्सरसाइज टू एम ए ब्लेंस टाइप की चीज़ें हैं बट दे आर वेरी ईजी ठीक है तो आप लोगों ने ट्राई करना है अगर आप लोगों से नहीं हो रहा तो इनशाला नेक्स्ट क्लास में मैं आपको खुद ये करवा दूंगी ठीक है तब तक आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी स्टडी करनी है और उस पर थोड़ा सा काम करना है थैंक यू अल्लाह हाफिज